हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की प्रकाश की। आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे चिन्ह परिपाटी की, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध और दर्पण के सूत्र की। तो प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। प्यारे बच्चों चिन्ह परिपाटी क्या होती है? चिन्ह परिपाटी आज आपकी जो है पहली ही हेडिंग है चिन्ह परिपाटी। प्यारे बच्चों चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि आप ये समझ लीजिए कि जितना आप न्यूमेरिकल लगाएंगे हर एक न्यूमेरिकल के लिए किसकी दूरी धनात्मक होगी किसकी दूरी ऋणात्मक होगी। प्यारे बच्चों और ये जो क्लास है वो 10 और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, हम लोग चिन्ह परिपाटी इसलिए समझ रहे हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इनका जो नियम होता है, सभी जो दूरियां होती हैं, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे किसी की भी दूरी हो, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। सभी प्रकार की जो दूरियां होती हैं वो दर्पण के कहां से मापते हो? ध्रुव से। चाहे ध्रुव से आप दाएं जाइए चाहे ध्रुव से बाएं आइए, सभी दूरियां आप ध्रुव से ही मापना स्टार्ट करोगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? कि सभी जो दूरी होगी, जैसे मुझे यहां पर कोई प्रतिबिंब बन गया उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में आभासी बनता है प्रतिबिंब। तो प्यारे बच्चों जब यहां पर प्रतिबिंब बन गया तो हम यहां से दूरी नापेंगे, यहां से दूरी नापते हैं लगभग, मान लेते हैं अगर 2 मीटर की दूरी यहां से यहां तक आ रही, तो ये जो दो मीटर है यही दूरी होगी प्रतिबिंब की दूरी। प्यारे बच्चों ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि सभी जो दूरियां होगी वो दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। यदि दर्पण के दाएं तरफ, दर्पण के दाएं तरफ की दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो भैया दाएं हाथ आपका इधर है तो इधर की दूरी क्या हो गई? धनात्मक हो गई। और बाएं तरफ की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दर्पण के बाएं तरफ की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है और दाएं तरफ की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अब हम बात कर लें मुख्य अक्ष के ऊपर की और मुख्य अक्ष के नीचे की। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जो लंबाई होती है, या हम कह दें मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है और नीचे की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ये हमने लगा के दिखाया प्यारे बच्चों, यहां से कोई वस्तु ए बी रखा है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है इसलिए ये ऋणात्मक है प्यारे बच्चों, और ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है इसलिए ये धनात्मक है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई सदैव धनात्मक होती है, नीचे की लंबाई सदैव ऋणात्मक होती है, दाएं तरफ की दूरी धनात्मक होती है, बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है? क्या इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट चीज हम समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कि हमने कल चर्चा किया था जब फोकस दूरी बता रहे थे, इससे पिछले वाले क्लास में आपको देखे होंगे, तो मैंने बोला था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो क्यों कहा था? क्योंकि जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो दर्पण के दाएं ओर होती है, दर्पण के दाएं तरफ होती है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो दर्पण के बाएं तरफ होती है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये रही प्यारे बच्चों चिन्ह परिपाटी। अगर आप पूरा फुल डिटेल वाली क्लास जानना चाहते हैं तो डिटेल की क्लास लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, आप वहां से जाकर देख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्योंकि यहाँ पूरा फुल डिटेल इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि ये क्लासेस एक बार आपको बता दी गई है, ठीक, आप वहां से देख सकते हैं। एक लास्ट चीज चर्चा करेंगे, आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, उसे आप कह लीजिए ये आपके लिए क्या है भैया? सुपर डोज का काम करेगा। किसका काम करेगा? सुपर डोज का काम करेगा। ये उस सुपर डोज की बात करते हैं। वो सुपर डोज ये है कि प्रकाश, प्रकाश जिस दिशा में जा रहा है, प्रकाश जिस दिशा में जाता है, जिस दिशा में
जा रहा हूं उस दिशा में मापी गई दूरी, उस दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, मापी गई दूरी धनात्मक तथा विपरीत दिशा में, क्या तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। यही है प्यारे बच्चों आपके लिए सुपर डुपर वाला डोज, ध्यान दीजिएगा, आपको बाएं दाएं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस बात को ध्यान देना प्यारे बच्चों। मैंने क्या बताया कि प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें अगर इस दिशा में जा रही हैं, प्रकाश किरणें इस दिशा में जा रही हैं, तो भैया अगर आप इसी दिशा में गाइस, यदि प्रकाश किरणें इसी दिशा में जा रही हैं और ध्रुव से आप इसी दिशा में दूरी मापोगे, जैसे मैंने कहा कि दर्पण के पीछे एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है और बताओ आप इस व्यक्ति की दूरी, और प्रकाश इधर से इधर की तरफ जा रहा है और एक व्यक्ति दर्पण के इधर खड़ा है, तो बोलो क्या होगा प्यारे बच्चों। ये दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा और ये दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब का काम करेगा। आप बताओ इसकी दूरी धनात्मक होगी इसकी दूरी। तो प्यारे बच्चों जब आप दूरी ध्रुव से मापोगे तो ध्रुव से इधर जाओगे तो प्रकाश के दिशा में जा रहे हैं ना, तो प्रकाश की दिशा में जाने पर ये दूरी आपकी धनात्मक होगी और प्रकाश के विपरीत दिशा आने में ये जो दूरी है आपकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यही चीज मैं आपको वहां पर बता रहा हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध की। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। आप फोकस दूरी को प्यारे बच्चों हमने पिछले वाले लेक्चर में चर्चा किया था, स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, और वक्रता त्रिज्या को हम लोगों ने व्यक्त किया था स्मॉल आर या कैपिटल आर, दोनों कह सकते हैं, फिलहाल मैं लोग यहां स्मॉल आर लिखेंगे। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है प्यारे बच्चों, थोड़ी सी डिटेल वाली जानकारी हम लोग यहां पर नहीं लेंगे क्योंकि हम उन टॉपिकों का चर्चा कर रहे हैं जो कि बेसिक चीजें हैं प्यारे बच्चों। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि ये वाली जो क्लास है पूरी डिटेल से जो क्लास है, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए दोनों का जो लिंक है वो आपको आई कार्ड में दिखाई पड़ रहा होगा, या तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसको ओपन करके देख सकते हैं। चलिए हम यहां पर समझते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो जो फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों वो दर्पण के वक्रता त्रिज्या के सदैव आधी होती है, यही चीज कहना चाह रहा कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। अर्थात चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, किसी की भी फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या के क्या होगी, आधी होगी प्यारे बच्चों। इस बात को ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या बटे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। यही है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अगर कभी कभी वक्रता त्रिज्या पूछ लेता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वक्रता त्रिज्या आपको प्राप्त हो जाएगी, क्या हो जाए, वक्रता त्रिज्या बराबर दो गुने फोकस दूरी। यानी इस बात को आप जरा सा समझिए कि जो वक्रता त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों वो फोकस दूरी का क्या होता है, दो गुना होता है। जो ये वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का क्या होता है, दो गुना होता है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होती है, आधी होती है। अब यही संबंध आपका अवतल के लिए भी होता है और यही संबंध आपका उत्तल के लिए भी होता है। अब प्यारे बच्चों बात आई कि आप ये संबंध कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे, तो इसका जो संबंध है, इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोगों ने कराया है इससे पहले, आपको वो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं।
अब थोड़ी बहुत इस पे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है प्यारे बच्चों, एक नंबर या दो नंबर की बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं, तो उन सब का चर्चा हम लोग वीडियो के बाद में करेंगे। कुछ सवाल इस फार्मूले पर भी और दर्पण के सूत्र पर भी, इन दोनों फार्मूले पे क्लास की चर्चा जरूर होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फुल वीडियो देखने के लिए आप वहां से देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो गाइस हमारी नेक्स्ट टॉपिक है गोली दर्पण के लिए सूत्र। गोली दर्पण के लिए सूत्र, या तो हम लोग इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं यू वी और एफ में संबंध। इसी को हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, यू वी व एफ में संबंध। यही प्यारे बच्चों आपकी क्लास में भी है, ये एक नए नाम से जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि आप बताओ यू और वी और एफ में संबंध ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये दोनों का आंसर एक ही है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उन दोनों दर्पणों के लिए जो संबंध होता है वो ये होता है, एक बटे वी प्लस एक बटे यू बराबर होता है एक बटे यफ। अब ये जो शब्द आए हैं अगर उनका आपको अर्थ लिखना है प्यारे बच्चे तो वो भी जान जाइएगा। जो यू होता है वो वस्तु की दूरी होती है, कि यू क्या होता है, वस्तु की दूरी, वस्तु से दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होता है वो यू बताता है, क्या बताता है, यू बताता है। और जो वी होता है, वी होता है प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी होती है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी। और जो यफ होता है वो यफ होता है फोकस दूरी, क्या होता है, फोकस दूरी होती है। ध्यान दीजिएगा यफ क्या होती है, फोकस दूरी होती है, यू वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी है, और ये प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से। तो चाहो तो आप यहां लिख सकते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, और ये दर्पण से क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वी होता है, और फोकस दूरी कौन होता है, एफ होता है। यार बच्चों इसका ये जो संबंध है एक बटे वी प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी इसका डेरिवेशन क्यों नहीं कराए हैं, तो प्यारे बच्चों इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोग अलग वीडियो में बनाया है। इसका जो फुल डेरिवेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको आई कार्ड पे दिखाई पड़ रहा है, आप या वहां से देख सकते हैं, या इसका फुल क्लास जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप अगर वो क्लास देख के आएंगे तो आपको ये एकदम हलवा एकदम मक्खन सा लगने लगेगा, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताइएगा तो हम उसकी समाधान करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की टॉपिक को चर्चा करते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेखीय आवर्धन, जिसे हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। पहले बच्चों रेखीय आवर्धन क्या होता है, आइए हम समझ लेते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वो रेखीय आवर्धन कहलाता है। अर्थात दर्पण के सामने आपने कितना बड़ा वस्तु रखा है और दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बना पा रहा है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं बताना चाह रहा हूं। इस रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात प्रतिबिंब कितनी बड़ी बनी है और साथ में वस्तु कितना बड़ा रखा गया था, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, और इसका जो व्यंजक होता है वो हम लोग देख लेते हैं, और साथ साथ में इसका व्यंजक आता कहां से डेरिवेशन के साथ देखेंगे प्यारे बच्चों। ताकि उसके लिए हम लोग कुछ डायग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे, चाहे अवतल बनाइए चाहे आप उत्तल बनाइए, दोनों के लिए प्रोसेस वही होगा, दोनों के लिए फार्मूले वही रहने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो ये हम लोगों ने एक क्या बना लिया, एक अवतल दर्पण बनाया। चलिए ये एक अवतल दर्पण बन गया अवतल दर्पण, ठीक अवतल दर्पण बन गया। फिर उसके बाद अब इस पे हम लोग एक मुख्य अक्ष का निर्माण कर देते हैं, ये रेखा हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गई दर्पण का ध्रुव, और यहीं कहीं दर्पण का मुख्य फोकस होता है और यहीं कहीं क्या होता है, वक्रता केंद्र होती है। इस बात को जरा सा समझिएगा।
अब मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है जो कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा है। मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है ए बी, ये कोई वस्तु ए और बी है। ये देखिए, ये कोई वस्तु ए और बी है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई वस्तु ए और बी है जो कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा है। तो आपने इसका जो है प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसे बनता है, आपने बना के देखा पहले बच्चों। तो चलिए, इससे पहला होता है कि जब इससे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ती है और कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इसका हम लोग डायग्राम इस प्रकार। अब दूसरा क्या बताया गया था, दूसरा ये बताया गया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरणें होती है, वक्रता केंद्र से होकर जो जाने वाली प्रकाश किरणें होती है वो क्या होती है, जिस मार्ग से गई रहती है पुनः उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट आती है। तो लगभग ये ठीक, तो ये दर्पण से जाकर टकराएंगी और जिस मार्ग से गई रहेंगी उसी मार्ग में वापस लौट आएंगी। ये दोनों किरणें जहां काटती हैं प्यारे बच्चों, वही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब क्या बनता है, बी डैश बनता है और ए डैश बनता है। ठीक, चलिए ये प्रतिबिंब बन गया। अब समझिए, यहां से आपको समझने में आसानी होगा कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। रेखीय आवर्धन ये होता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है और वस्तु कितना बड़ा बना है, इसी को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहां बिंदु M का नाम दे देते हैं। एक बार अब रेखीय आवर्धन का सूत्र लिख देते हैं। रेखीय आवर्धन जो होता है उसे हम M से व्यक्त करते हैं। रेखीय आवर्धन M बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई को हम यहाँ ए डैश बी डैश दिखा रहे हैं, या हम कह दे आई दिखा दे, या हम क्या कह दे आई, यानी यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो आई हो जा रहा है प्यारे बच्चों। दिख रहा होगा आपको, ये आई है और ये टोटल क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई को आई से दिखा दे रहे हैं और वस्तु की लंबाई को किससे दिखा दे रहे हैं, ओ से। तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, तो प्रतिबिंब की लंबाई और साथ में क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक, जिसे हम ओ से दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर इसे हम सांकेतिक रूप में लिखना चाहे, यम बराबर क्या हो जाएगा, अब बताइए, प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के नीचे है, तो मुख्य अक्ष के नीचे है तो मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई ऋणात्मक होती है, ऊपर की लंबाई धनात्मक होती है। तो आई जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो माइनस में हो जाएगा और जो ओ है वो आपका धनात्मक है, तो ओ आपका धनात्मक रहेगा। ये हो गया रेखीय आवर्धन का व्यंजक। अब ये फार्मूला आता कहां से प्यारे बच्चों, आइए हम उसकी शुरुआत कर लेते हैं, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, ये फार्मूला आया कहां से है, उत्पत्ति कर लेते हैं इसकी। तो अब जो हमारी अगली चर्चा करने वाले हैं वो है उत्पत्ति, यानी ये आया कहां से है, इसकी बात करेंगे हम। आइए ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इसकी उत्पत्ति करने के लिए हम लोगों को एक रचना करना पड़ेगा। वो रचना ये है कि बी से पी पर एक जो है बी और पी को मिला दिए प्यारे बच्चों, बी से पी को मिला दिया और साथ में बी डैश को इससे मिला दिए, देख रहे हैं, ठीक, आपने देखा। तो रचना जो किया है वो रचना क्या है, बी और पी को मिलाया और पी और बी डैश को मिला दिया। तो ये चीज भाई रचना की हो तो ये बात आपका बनता है, आपने किया क्या है। रचना में हम लिख देंगे, रचना में ये चीज लिखेंगे जरूर, रचना में क्या होगा कि आपने B और P को मिलाया, रचना में B P को मिलाया, B P तथा इसी में साथ में लिख लीजिए तथा B डैश P को मिलाया, B डैश P को मिलाया, को मिलाया, साथ में यम से एक लंब खींचा, यम से क्या खींचा, एक लंब खींचा। और जाने दीजिए प्यारे बच्चों, आपको इस लंब की जरूरत नहीं पड़ने वाली, कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगी, जाने दीजिए। अब देखिए ध्यान से, क्या आपने रचना इतना कर लिया,
अब हम करते क्या है, इस जब आपने रचना किया तो वहां दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज बना ए बी पी और एक बना ए डैश बी डैश पी। तो इसी त्रिभुज को अगर हम समरूप सिद्ध कर लें, इन्हीं दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर लें, तो हम आराम से इस फार्मूले की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज ए बी पी, जब आपने रचना किया बीपी और बी डैश को मिलाया तो चित्र डायग्राम में एक त्रिभुज बना ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी। तथा अगला जो त्रिभुज बना प्यारे बच्चों, अगला जो त्रिभुज है वो है ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। आइए देखते हैं, दोनों त्रिभुज को हमको समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो ये जो एंगल है वो एंगल और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपको दिखाई पड़ रहे होंगे 90 डिग्री के। तो इसको हम लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल ए डैश, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए डैश। क्यों बराबर है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो दोनों है ये आपके दोनों समकोण है, दोनों क्या है समकोण है, इसलिए आपस में क्या हो गए सेम टू सेम यानी डिट्टो यानी बराबर हो गए। अब आप देखिए अगला चीज, अगला चीज आप क्या देख पा रहे होंगे कि अगला चीज ये देख पा रहे होंगे, ये वाला चीज, ये आई होता है, ये आर होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कोई प्रकाश किरण यहां से गई, अब मान लेते हैं ये कोई एक प्रकाश किरण थी, यहां से गई, यहां से टकराई, यहां से लौट आई, तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसे हम लिखेंगे बी पी ए डैश, एंगल बी पी ए डैश, या 60 कट में लिखो तो एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा एंगल आर, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये दो दोनों है भैया आपस में क्या है सेम है। अब बताओ प्यारे बच्चों, हाई स्कूल की क्लास में हमने पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए, यदि किन्हीं दो त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के भैया समरूप होते हैं। तो अब हम लगा सकते हैं एंगल एंगल ए ए समरूपता नियम से, ए ए समरूपता नियम से ये जो दोनों त्रिभुज है वो दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। दोनों त्रिभुज कौन कौन, त्रिभुज ए बी पी समरूप है, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये दोनों त्रिभुज क्या है प्यारे बच्चों एक दूसरे के समरूप है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के समरूप है तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि जो इनका संगत अनुपात है वो आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब बताओ लिखा जा सकता है समरूपता के नियम से ए डैश बी डैश क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपान क्या हो जाएगा ए बी, अपान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ए बी, ये आपस में बराबर होगा। किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ए डैश पी, ए डैश पी क्या हो जाएगा ए डैश पी बटी क्या हो जाएगा ए पी। आप यही जो चार अक्षर मैंने लिखा है ये चीज आप समझ लीजिए बस। समरूपता का नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो आपस में समान होगा, अर्थात अगर इनका अनुपात इनके साथ और इनका बड़े का अनुपात छोटे के साथ, दोनों का अनुपात सदैव आपस में क्या होगा बराबर होगा। भैया ये मैंने चीज लिखा है समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से हाई स्कूल में जरा सा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बढ़िया है प्यारे बच्चों, ये चीज आपको याद होगा समरूपता के नियम से। आइए अब सबकी वैल्यू रख लेते हैं, ए बी क्या है ए डैश बी डैश क्या है, तो ए डैश बी डैश को आपने आई का नाम दिया है, तो प्यारे बच्चों चिन्ह परिपाटी के साथ रखेंगे तो आई, आई मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई है इसलिए ये ऋणात्मक होगी, और ए बी को आपने ओ नाम दिया है तो ए बी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों ओ, और वो ऊपर की लंबाई है इसलिए धनात्मक होगी। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अब ए डैश पी सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, पी से ए डैश की तरफ आओगे तो पी से ए डैश, तो
तो जो प्रतिबिंब बनता था, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से व्यक्त करते हैं, ये तो हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा है। और वस्तु की दूरी को हम लोग u से व्यक्त करते हैं, वो हमने यहां बता दिया। लो अब देखो, सारी दूरियां आप दर्पण के बाएं तरफ नाप रहे हो, ये दाया है, दाएं में कोई दूरियां नहीं है, तो मतलब इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक होगी। दूरियां मैं बोल रहा हूं, लंबाई नहीं बोल रहा हूं प्यारे बच्चों। अब देखो भाई, ए डैश से पी कितना है, वी, परंतु यहां माइनस वी लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी कहती है। अब एपी कितनी, यू, तो ये भी माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसे हम यम के नाम से भी जानते हैं, यम बराबर होता है माइनस आई बटे ओ, माइनस आई बटे ओ, अर्थात इस पूरे चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। अब हम माइनस का गुना इधर कर दें तो क्या आ जाएगा, माइनस का जैसे गुना करोगे तो यहां आई बटे ओ बचेगा, उधर माइनस जाएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस का गुणा कर रहे हो आप, माइनस वी बटे यू हो जाएगा। और इसी आई बटे ओ का रिलेशन ये आ गया, माइनस वी बटे यू। अब हम आई बटे ओ को यम के नाम से जानते हैं, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, जब हम इस रूप में लिखना चाहेंगे तो यम बराबर आएगा आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। आप ध्यान दीजिएगा, रेखी आवर्धन यानी न्यूमेरिकल लगाते समय हम इन दोनों का भी उपयोग करेंगे, इनको इनको भी और इनको इनके साथ भी उपयोग किया जाएगा। तो गाइस इस प्रकार रेखी आवर्धन की जो टॉपिक है वो यहां पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की डाउट नहीं हुई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रह गया होगा प्यारे बच्चों, तो प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, तब हम देखते हैं आपकी समस्याएं कहां पर है। और अगर समझ में आया है तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और दोस्तों के साथ फट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की क्लास में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, अगर कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए प्यारे बच्चों। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।